आज हम लोग सेवड़ा में हैं और मैं आपको बता दूं कि आपके बीच पहुंचने के लिए आज हमने दामोदर भाई को कष्ट देकर, उनके साथियों को कष्ट देकर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की, क्योंकि आज तीन सभाएं हैं। पहले मेगांव में थी, वाटियां, उसके बाद है अशोकनगर। अशोकनगर में भी 5000 लोग खड़े हैं हेलीपैड पर, जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा। लेकिन जिस वजह से हेलीकॉप्टर किया था कि भाई जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, उसको भी रोकने का बहुत प्रयास हुआ। पहली बार जब उतरे तो वहां उन्होंने कहा बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर और प्लेन अभी चढ़ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी आप रुक जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई। फिर वहां से जब पहुंचे तो 2 किलोमीटर वो बनवा दिया हेलीपैड। फिर भाग दौड़ के वहां पहुंचे तो कहा क्लियरेंस नहीं मिल रहा, इंतजार करना पड़ेगा। आधा घंटा हेलीपैड में खड़े रहे। वहां से चले तो यहां 5 किलोमीटर बना दिया। फिर मैंने उससे कहा, प्लेन के जो हमारे ड्राइवर साहब हैं, पायलट हैं, मैंने कहा भाई हेलीकॉप्टर का फायदा नहीं होगा। हेलीकॉप्टर इसलिए किया, अपनी औकात से बढ़कर जो काम कर किया वो इसलिए किया कि टाइम से अपने लोगों के बीच पहुंच जाए। अगर इतना इंतजार करना है तो हम तो गाड़ी से चले जाते, मोटरसाइकिल से चले जाते, फिर तुम्हारा क्या फायदा। तो कहा बात तो आपकी बात सही है। फिर वो हमें यहां लेके आया और अब हमें जाना कहा अशोकनगर। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कहा कि 20 मिनट हमें सुन लो। सम्मानित मेरे प्यारे साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेता, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो ये चला रहे हैं इसको बस उससे पीछे ही रखना यार, आप समय खराब करा रहे हो। आप समझो यार, दूसरे के भी काम की वैल्यू समझो, क्या मजाक कर रहे हो, बार बार सर पे ले आते हो। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, भाई दामोदर यादव जी जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, आपके दिलों की धड़कन है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और देश के बड़े नेता भाई रविंद्र कुमार पाटिल जी, भाई कुंवर देवेंद्र सिंह जी जो हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, और हमारी भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव जो हमारे बहुत बड़े नेता भाई कमल सिंह वालिया, और उनके बराबर के टक्कर के जो नेता इस मंच पर बैठे हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारा एक बूथ का कमेटी का जो यहां बैठा है मेरा भाई, मेरा साथी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज अगर ये इतना बड़ा मंच सजा, इसके पीछे भीम आर्मी के लाखों लोगों की मेहनत है, उनका संघर्ष है, उनका बलिदान है, उनके उन्होंने जो अन्याय सहा है, उन सबकी बदौलत आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहां खड़ा होकर अपनी बात कर रहा। सम्मानित मेरे परिजनों, मेरा जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मीडिया से सुनते हैं, अखबार में सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो आज जान रहा। मेरा गांव है छुटमलपुर, जो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक गांव, अब तो कस्बा हो गया। और मैं पढ़ने के लिए जा रहा था विदेश, मैंने लॉ की थी, वकालत की पढ़ाई, मेरे पिता चाहते थे कि मैं जज बन, इसलिए उन्होंने उस वक्त LLB की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहा, और मैंने वो पढ़ाई भी दिल लगा के पूरी की। लेकिन जैसे मेरे जाने का समय आया और मेरे पिता ने जो जमीन या जो पूरे जीवन की उनकी कमाई थी, एक एक पैसा जुटा के उन्होंने जो इकट्ठा किया था, उसी समय मेरे पिता बीमार हो गए। अभी 2 दिन पहले आप लोग दिवाली का त्यौहार मना रहे थे, मेरे आज भी अच्छी तरह से याद है दामोदर भाई, जिस दिन दिल्ली में मेडिकल रिपोर्ट आई मेरे फादर की, उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। इधर लोग अपने घरों में त्यौहार मना रहे थे, उधर मैं अपने बीमार पिता के साथ, और मेरे सामने वो रिपोर्ट थी, कल मैंने लाइव में आपके सामने अपना दर्द रखा। जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी और कैंसर का नाम सुनते मेरे पैर तले की जमीन धड़क गई। मुझे लगा कि अब मेरे पिता नहीं बचे। पिता हॉस्पिटल में थे, मैं बाहर आ गया कैंटीन में और मैं 2 घंटे रोता रहा, और मेरे आंसू पूछने वाला भी नाम कोई नहीं। मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या आया, लेकिन मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि आप जितने लोग यहां बैठे हो जिनके पास पिता हो, अपने दिल में हाथ रख के
क्या होते हैं अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। चाहे वो 60 साल का क्यों ना हो, अगर उसके पिता जिंदा है तो उसके पिता उसके हीरो होते हैं, सुपरमैन होते हैं उसके पिता। अगर वो अपने पिता से कुछ भी कह दे उसको ये एहसास नहीं बचपन में कि पिता कहां से लेके आएंगे। लेकिन पिता लेके आते हैं, पिता उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और मैं एक ऐसा बेटा हूं, मेरे याद है जब मुझे जूतों की जरूरत थी, मेरे पिता के जूते भी फटे हुए थे, मेरे पिता ने मेरे लिए जूते अरेंज किए और वो खुद टूटी हुई चप्पलों में रहे। मैंने देखा अपने पिता यार पानी वाले में, तो बहुत दिन मैं अपने पिता के साथ रहा अस्पताल में। फिर एक ऐसा समय आया, दिन था 11 जनवरी 2013 का सुबह के 4 बजे और मैं जाग रहा था अपने पिता के साथ। मेरे पिता ऐसे बैठे हुए थे मेज पे हाथ रख के हॉस्पिटल में आईसीयू में। 4 बजे उन्होंने हाथ ऐसे पीछे किए और मॉनिटर में जो लाइन चल रही थी सांसों की वो सीधी हो गई और मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब मुझे पता लगा कि एहसास हुआ कि मेरे पिता मुझे छोड़ के चले। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको यह तकलीफ भी बताना चाहता हूं कि मैंने अपने पिता को क्यों खोया। अगर मैं पैसे वाला होता या देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होती कि जो इलाज अमीरों को मिलता है वो इलाज गरीबों को भी मिल जाता, जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है वो किसान मजदूर मेहनत कश लोगों को भी मिल जाती, तो आज चंद्रशेखर के पिता मेरा हीरो जिंदा होता। लेकिन क्योंकि देश में गरीबों का, किसानों का, कमेरों का, मेहनत कश लोगों का कोई वजूद नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। मैंने पिछली सभा में भी आपको बताया था कि सड़क पे कोई किसान मरा पड़ा रहे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर एक पशु पर मर जाए उस पर भी खबर बन जाएगी मगर उस किसान की कोई खबर नहीं लेगा। तो मैंने अपने पिता को खो दिया और मेरे इस बीच में हॉस्पिटल के समय में मेरे पिता से मेरी बहुत बात हुई। उनका कहना था कि सबने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से जो फल मिला संविधान के अधिकार के रूप में उसका फायदा तो उठाया, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को कम नहीं किया। किसी ने भी माननीय काशीराम साहब के अलावा किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को, उनकी पीड़ा को समझने का काम नहीं किया। और एक बाप होने के नाते उन्होंने मुझसे बेटा होने के नाते इशारे में कहा कि चंद्रशेखर तुम भी विदेश चले जाओगे, पढ़ लिख के कामयाब हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, सेटल भी हो जाओगे, लेकिन अपने लोगों के लिए दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान जैन सिख बौद्ध ईसाई ये जो कमजोर लोग हैं इनके लिए मैं कुछ करना नहीं चाहता। तो जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया, सम्मानित मेरे परिजनों, उस दिन मैंने ये वादा किया कि मैं अब अपना पूरा जीवन अपने पिता के पूरा जो अधूरा सपना उनके मन में जो पीड़ा रह गई है कि देश के हर एक व्यक्ति को वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो भारत का संविधान सबके लिए देता है, मैं इस जीवन को उस काम के लिए लगाऊंगा। और 2013 से 2023 में हम लोग प्रवेश करके मेरे पास बहुत रास्ते थे। मैं चाहता किसी भी पार्टी का पिछलकू बन जाता, बहुत ऑफर थे आप जानते हो मेरे लोगों, मैं MP MLA बन के घर में बैठ जाता, सुख सुविधा वाला हो जाता, लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी थी कि आप लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है वो पूरी नहीं हो पाती, वो आग ठंडी नहीं हो पाती। मैंने जिस दल में सारा ज्यादा से ज्यादा जीवन बिताया मैंने उनसे प्रयास किया, किसी कारण से मैं सफल नहीं हो पाया। फिर मैंने ये तय किया कि इतने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो सकता, इसलिए हमने और असल में सबसे बड़ी ज्ञान तब मिला जब मुझे 16 महीने के लिए बंद कर दिया गया। आपने अगर आपको याद हो मेरा अपराध मात्र यह था कि मेरे लोगों के हाथ काटे गए, उनकी हत्या की गई, उनके घर जलाए गए और मैंने उस अन्याय को सहन नहीं किया। फिर मुझे जेल भेजा गया, मैं 16 महीने जेल में रहा 10x6 की कोर्ट में। जब पैर फैलाते थे एक तरफ सर लगता था दूसरी तरफ पैर लगते थे, वही 3-2.5 फीट में शौचालय बना हुआ था, वही नहाना, वही फ्रेश होना, वही खाना, वही पढ़ना, वही सोना।
मुझे मौका मिलेगा मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा और इनको इनके पैरों पर जब तक खड़ा नहीं कर देता मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। हर कोई राजनीति अपने मकसद के लिए कर रहा है। किसी का मकसद है कि उसके पास पैसे आ जाए, किसी का मकसद है कि उसका बड़ा सा घर बन जाए, किसी का मकसद है उसकी संपत्ति बच जाए, किसी का मकसद है कि उसके पास गाड़ी घोड़े सब तमाम चीजें आ जाए। लेकिन मेरे जीवन में एक लक्ष्य है कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत, माननीय काशीराम साहब के सपनों का भारत बने, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, हमारे संतों गुरुओं बुद्ध से लेकर सतगुरु रविदास जी के महाराज के सपनों का भारत बने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज के सपनों का भारत बने। और वो कैसा भारत होगा? वो ऐसा भारत होगा जिस भारत में कोई भी महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करे, कोई भी बहन अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करे, कोई भी बुजुर्ग कोई भी नौजवान अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करे। जहां किसी के सपने नहीं कुचले जाएंगे, जहां पैसे कमी कारण आप में से कोई जैसे मैं आधार आपको बैठा अपने पिता को ना खो पाए, अपनी बहन को अपने भाई को अपने बच्चे को अपनी माँ को अपनी पत्नी को न खो दे, एक ऐसा भारत जहाँ समता मूलक समाज हो, सब लोग बराबर हो, भाईचारे के साथ आगे बढ़े, प्रदेश भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, किसान की जीवन का भी मोल हो, मजदूर के जीवन का भी मोल हो, दलितों के जीवन का भी मोल हो, पिछड़ों के संघर्ष का भी मोल हो, आदिवासी की जल जंगल जमीन पर उसका अधिकार हो, और 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण बने। जब 100 नौकरी आए तो 52 नौकरियों पे अगर 100 IAS IPS बनने हो तो 52 IPS बाल प्रजापति कश्यप गुजर जाट यादव के बच्चे निषाद मौर्य साक्य बघेल के बच्चे बने, और जो 25% SC ST को मिला 25% पदों पे उनके बच्चे बैठे, और बाकी 25 में जितनी जिसकी संख्या है उस हिसाब से उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन मेरे लोगों, जब राजतंत्र था तो हम लोग राजा के हिसाब से चलते थे, राजा ने जो कह दिया हम उसको मानते थे, राजा का जो मन हुआ उसने कानून बना दिया। लेकिन जब राजतंत्र खत्म हुआ लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में कानून बनाने की ताकत सरकारों के पास है, और सरकार बनाने की ताकत आपके मेरे पास है, जनता के पास है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। लेकिन हुआ क्या मेरे लोगों, जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, दुश्मन बहुत चालाक था, दुश्मन ने कहा इनके पास वोट अगर चली गई और इन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग किया तो इनका राज आ जाएगा। कल तक जिनको हम अपने डंडे से हाथ लेते थे, जिनको अपमानित करते थे, कर नहीं पाएंगे। लोकतंत्र में जिसके पास शक्ति होगी वो आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने हमारी वोट को खरीदने का इंतजाम नोट से किया। आज तक भी वो नोट के अधिकार, नोट के हथियार से हमारी वोट को खरीद रहे हैं। सेवड़ा में तो आप लोगों ने मेहनत की है, दामोदर भाई ने संघर्ष किया है, इसलिए आपकी ताकत का लोहा पूरा मध्य प्रदेश बांध रहा है कि सेवड़ा को कोई नहीं रोक सकता। सेवड़ा इतिहास लिख के रखेगी। और आजाद समाज पार्टी काशीराम का पहला विधायक, दलित पिछड़े आदिवासियों का सच्चा बेटा, वो दामोदर यादव जो है वो विधानसभा में जा रहा है सेवड़ा से। ये बात आपने सुनिश्चित की है। लेकिन गौर करो, दुश्मन बहुत समझदार है। जब हमने 10 साल पहले ये मुहिम शुरू की और गांव-गांव जाकर लोगों को सब समझाना सिखाना शुरू किया, पाठशालाएं खोली, लोगों को जागरूक किया, दुश्मन के भी आंखें हैं, दुश्मन को दूर से देख लेता है, वो कांटे को बहुत दूर से पहचानता है और वो विरोधी को भी बहुत दूर से पहचानता है। जब हमने ये संघर्ष शुरू किया, क्या आपने 10 साल पहले किसी पार्टी को सुना कि वो ये कहे कि हम राशन देंगे? बताओ, ईमानदारी से बताओ, कभी सुना क्या आपने? 10 साल पहले कोई पार्टी कहती थी कि हम राशन देंगे चुनाव में? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब हम अपने लोगों को पाठशाला खोल के मीटिंग करके जागरूक करने काम कर रहे थे, दुश्मन समझ गया कि अगर ये लोग जागरूक हो गए, उन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, वोट की शक्ति को समझा, तो इनका राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए जब मैं आपको शासन करने की बात सिखाता हूं तो
तो वो आपको राशन की बात सिखाते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर राशन के साथ उनको नाम जाया, उनको पता है कि आपके घर में कमजोरी है, उनको पता है कि आपके कनस्टर में एक महीने का आटा नहीं है, वो जानते हैं, उन्होंने जानबूझ के गरीबी बना के रखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गरीबी खत्म हो गई तो इनके पास समय होगा, इनके कनस्टर में आटा होगा, किसी की मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, ये सोच विचार कर निर्णय लेंगे, और ये सोच विचार कर निर्णय लेंगे तो फिर ये अपनी वोट को किसी भी कीमत पे दुश्मन को नहीं देंगे। उन्होंने दो तरीके बहुत अच्छे किए, पहला आदत बिगाड़ो राज करो, उन्होंने हमारे आसपास की बस्तियों में शराब के ठेके खोले, और वो चुनाव के समय हमारी बस्तियों में आगे शराब बांटते हैं, हम शराब नहीं पीते मेरे लोगों की, हम अपने बच्चों का अपने महापुरुषों के बलिदान का खून पी पी के दुश्मन को ताकतवर करने का काम करते हैं। आप समझते हो जो आपको बराबर में बिठाए नहीं वो आपको चुनाव में शराब क्यों पिलाता है, वो आपको इसलिए पिलाता है कि आपकी आदत बिगड़ी रहे, आप शराब को ताकत मान के उनकी मदद करो। जैसा मैंने कहा कि जब मैं शासन की बात करता हूँ तो वो राशन की बात करते हैं, वो आपके पेट की कमजोरी को जानते हैं। मेरे लोगों मुझे एक बात बताओ, जिसका शासन होगा उसके लोगों को राशन के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? जो जिनका शासन होता है वही तो तय करते हैं एमएसपी की गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? जिनकी सरकार है वही तो बताते हैं फसल का दाम क्या होगा, बताओ वही बताते हैं ना? जिनकी जिनकी सरकार है वही तो ये तय करते हैं ना कि रोजगार किनको मिलेगा, करते नहीं करते? किस विभाग में कितनी भर्तियां आएगी? जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं लोन किसको मिलेगा, जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं कि सुरक्षा किसको मिलेगी, जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं कि जमीन किसको मिलेगी। आप अगर अपनी ताकत बनाओगे तो ये अधिकार आपके पास आ जाएगा, वो इस बात को जानते हैं, इसलिए पैसे पे वो तमाशा देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी भी लोग तैयार नहीं हुए, पिट के छिट के अन्याय से के लोग तैयार नहीं है, जब चुनाव आएगा हम पैसा फेंक के इनकी वोट को खरीद लेंगे। आपके पास मौका है मेरे लोगों, अपनी वोट को बेचने के बारे में बिल्कुल मत सोच लेना, क्योंकि अगर आप अपनी वोट को बेचने के बारे में सोचते हो तो आप महापुरुषों के सपनों का कत्ल करते हो। जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार चार बच्चे आपके लिए कुर्बान किए, क्या उनके द्वारा दिया गया अधिकार वोट बेचने के लिए है? वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार बेचने के लिए नहीं मिला। देखो सरकारें कह रही है ना कि राशन देंगे राशन देंगे, कह रही है ना प्रधानमंत्री जी आगे कह गए ना मध्य प्रदेश में कि 5 साल के लिए राशन की योजना को आगे बढ़ा रहा हूं, कहा ना प्रधानमंत्री जी ने? आप मुझे बताओ जो मुर्गा पालते हैं मुर्गा फार्म खोलते हैं वो भी तो अपने मुर्गों को दाना खिलाते नहीं खिलाते हैं? सोचो, खिलाते नहीं खिलाते, क्यों खिलाते हैं? कि वो खा पी के मोटे ताजे हो जाए और फिर उनको उसको स्लॉटर हाउस में भेजने में आनंद आए, उनके अच्छे पैसे मिल जाए। देखो आपकी वोट लेके आपकी ताकत से वो राज कर रहे हैं और आपकी संख्या लोकतंत्र में सबसे ज्यादा है, आपके लिए रोज रोज सभाएं करनी पड़ रही है कि भाई मान जाओ, इस बार गलती मत करो, किसी की बातों में मत आओ। आप ये बताओ, मैं अपने नौजवान भाइयों से पूछ रहा हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया, जिन्होंने मेरे लिए मुसीबत झेली, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने संघर्ष किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, क्या किसी की इतनी बड़ी सभा हो रही है सेवड़ा में? आप ईमानदार से बताओ तो सेवड़ा में आपका मुकाबला किसी और से तो नहीं है? आपका मुकाबला आपसे ही है ना? देखो फिर कह रहा हूं, गौर करो, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं आप में से? हाथ उठा जो क्रिकेट देखते हैं, बहुत बढ़िया। अभी अफगानिस्तान का और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, अफगानिस्तान में 91 रन पे 7 विकेट गिर दिए और प्रेडिक्शन क्या बना कि 95% प्रेडिक्शन बना कि अफगानिस्तान जीत रही है। जैसे आज यहां बन रहा कि सेवड़ा हम लोग जीत रहे, लेकिन जैसे ये प्रेडिक्शन बना तो अफगानिस्तान के लोग रिलैक्स हो गए, उन्होंने कहा भाई अब तो जीत जाएंगे, ऐसे कंधे पे हाथ रख के आराम से बैठ गए, 2 कैच छोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ कि हार गए ना? इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर वास्तविकता में आप मुझे ताकत देना चाहते हैं, आप कहते चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो हम आपके साथ, और आप कहते हमें राज लाना है,
जब तक आप अपने वोट को आजाद समाज पार्टी को नहीं दोगे राज कैसे आएगा भाई? आप बता, राज क्या सड़क पे नारा लगाने से आ जाएगा? राज कैसे आएगा? मिठाई खाने से आ जाएगा? राज तो संघर्ष करने से आएगा ना। माननीय काशी राम साहब कहते थे कि सत्ता संघर्ष से मिलती है, और संघर्ष कौन कर रहा है पूरे देश में? आप अपना दिल पे हाथ रख के बताओ, छोड़ दो सब लोगों को, आप बताओ कौन कर रहा है संघर्ष? किसानों की लड़ाई हो, भीम आर्मी खड़ी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। दलितों की लड़ाई हो, भीम आर्मी खड़ी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। मुसलमानों की लड़ाई हो, भीम आर्मी खड़ी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। ओबीसी महासभा के आरक्षण की लड़ाई मध्य प्रदेश में हो, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। ईसाइयों की लड़ाई हो, बुद्धिस्टों की लड़ाई हो, किसी की कोई लड़ाई हो, सीएनके एनआरसी का मामला हो, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी आप सबके साथ खड़ी है। जब इन्हें वोट का मामला आएगा, जब वोट का मामला आएगा तो दुश्मन आपको कहेगा चंद्रशेखर को ताकतवर मत करो। क्यों ना करो चंद्रशेखर को ताकतवर? आप मुझे बताओ अपने दिल पे हाथ रखकर, अगर चंद्रशेखर ताकतवर होगा तो आप ताकतवर होंगे नहीं होंगे? मुझे बताओ मेरे लोग। मैंने अभी हमारी बड़ी नेता की एक सभा सुनी, ये अंजुम ने रिकॉर्ड की थी, मैंने इसके उसमें ब्लॉग में देखी। ये एक लड़के से पूछ रहा है वोट किसको दोगे, सभा में तो आए हो आप बहन जी की, तो उसने कहा वोट देंगे रावण भैया। इसने मैंने देख लिया इसके ब्लॉग में, वो कह रहा वोट देंगे उनको। इसने कहा क्यों? कह रहे नहीं वो बस उन्हीं को देनी है वोट से उड़ा में। तो इसने कहा यहाँ क्यों आए? कह रहे वो बड़ी है उनको देखने के लिए आए, देखी नहीं थी उनको। मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो आप मन बना लो, अगर इतिहास लिखना चाहते हो मध्य प्रदेश मेरे लोगों, तो मन बना, एक भी वोट खराब नहीं करना। और देखो ये मुझसे दामोदर कान ने कहा कि 90% युवा वोट दे रहे हैं, मगर बताओ जब तक तुम घर में जाके इस वोट को 3-4 वोट में नहीं बदलोगे, बहन को मां को नहीं बताओगे कि अपने बेटे को अपने भाई को ताकत देनी, तो कैसे बनेगी बात बताओ? अगर आप ये काम नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? आप चाहते हो या नहीं चाहते हो सेवड़ा में हम लोग आगे बढ़े बताओ, दिल से बताओ, दोनों हाथ बढ़े जो लोग पीछे खड़े वो भी बताओ। आपके जीवन में मेरे संघर्ष का मोल है या नहीं है बताओ। देखो नेताओं को लुभाने पटाने के लिए उनके पास बहुत सब चीजें, वो किसी को पैसे से खरीदते हैं, किसी को साधन से खरीदते हैं, किसी को सीबीआई से कराते हैं, किसी को ईडी से, किसी को इनकम टैक्स से, किसी को एनआईए से। और जब वो मुझे रोक नहीं पाए तो उन्होंने यहां मुझे गोली चलाई, 4 गोली चलाई उन्होंने मेरे ऊपर, 4 गोली चली और मैं फिर भी नहीं मरा हूं लोगों से, घबराओ मत। सुनो जिनके ऊपर उनके भाइयों का प्यार हो, मां का आशीर्वाद हो, बहनों का प्यार हो और बुजुर्गों का हाथ जिसके सर पे, वो चंद्रशेखर आजाद अभी जाने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं जाने वाला है। और दुश्मन इस बात को जानता है कि जिसको प्रलोभन देते हैं वो मान जाता है, जिसको डराते हैं वो डर जाता है। वो आपको बहुत प्रलोभन देंगे, पैसा देंगे, लेकिन मेरे लोगों को कुर्सी नहीं देंगे आपको, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में कुर्सी में ताकत है, कलम में ताकत है। अगर ये कलम की ताकत आपके पास हुई तो कोई चुन जाते नेत्रचार नहीं हो पाएगा आपके साथ। मैं आपको ये कहने आया हूं कि अगर वास्तविकता में आपको मेरे दर्द का एहसास है तो हमारे जो बड़े नेता आए हैं उनका सम्मान करो, उनकी बात को सुनो, लेकिन अपने एक एक वोट को 17 तारीख को केतली के निशान पर डालकर इतिहास लिख रहे हो सेवड़ा में, और सेवड़ा नहीं रहेगा। सेवड़ा में दामोदर यादव तो आपके विधायक बनेंगे, लेकिन ये एहसान आपका रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर आजाद पर भी होगा। और आप जानते हैं कि ये समाज, जैसे मैंने टिकट के साथ इनसे कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान यह है किसानों की लड़ाई लड़ते हो और 2 अप्रैल में मेरे भाइयों के साथ खड़े थे दामोदर भाई, इसलिए मैं आपके साथ अगर खून भी देना पड़ा तो दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे लोग एहसान ना भूले, और मेरे लोग एहसान का बदला ताकत देकर दे चुका है। और ये आपका निशान है, देखो पिछली बार भी बताया था आपको, क्या ये क्या है ये? देखो ये केतली तो है ही, लेकिन ये अलादीन के चिराग जैसा नहीं लगता है क्या बताओ? अगर आपने इस केतली को भर दिया तो ये अलादीन का चिराग जब टीवी में दिखाते थे ना, उसमें से कुछ निकलता था, इससे ही निकलता था ना,
और वो कहता था क्या हुकुम मेरे आका आका, अब इधर आका इधर मुझे तो मेरे तो दोनों तरफ आका है। तब मैं तो आपसे कहूंगा एक बार आपकी सेवा करने का मौका चंद्रशेखर आजाद को, रविंद्र भाटी को, दामोदर यादव जी को दो। अब मुझे बताओ दोनों विधो के बताओ। मैं अपनी मां बहनों से पूछना चाहता हूं इस गरीबी से कब तक जो है लड़ती रहोगी, कब तक हर 5 साल बाद निराश होती रहोगी। तुम्हारा भूखा पेट किसने नहीं देखा, तुम्हारा भूखा पेट नहीं देखा किसने, तुम्हारे बच्चे को एहसास है कि किस तरह से पाल पाल के तुम हमें बड़ा करते हो। मैं वचन देके कहता हूं कि ताकत मिलने तो हर घर तक वो सम्मान सम्मान और अधिकार पहुंचाना है कि मेरी कोई बहन अपने आप को कमजोर महसूस न करे। किसान हमारा एमएसपी गारंटी चाहते कौन देगा? किसान अगर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, अपनी फसल को मजबूत करना चाहते हैं, फसल के सही दाम चाहते हैं, तो किसानों को मुझे ताकत देनी पड़ेगी। बताओ ताकत दोगे नहीं दोगे बताओ। आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं ये मान लू जो लोग आखिरी में खड़े मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, क्या मैं दोनों हाथ मांगे बताओ जो जिसको आवाज आ रही है, क्या मैं मान लू आश्वस्त हो जाऊं कि इस बार मेरे 2 अप्रैल के अन्याय सहने वाले साथी, 25 सितंबर के अन्याय सहने वाले साथी, मेरे किसान, मेरे मेहनतकश, मेरी माए, मेरी बहनें, मेरे नौजवान भाई, इस बार मेरे मान सम्मान की सेवड़ा में रक्षा करेंगे? बताओ हाथ उठा के करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के रखो, ऐसा नहीं मानूंगा जब तक तुम 1 घंटे तक उठा के नहीं रखोगे। 1 घंटे तक उठा के अभी सोच लो, उठा के रखोगे नहीं रखोगे बताओ? नहीं नहीं नीचे कर लो, तुम्हें कष्ट दे के हम कहां जाएंगे बताओ। देखो तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बार सेवड़ा में किसी बातों में मत आना, किसी के पैसे शराब के चक्कर में मत पड़ना। वो आएंगे, वो पक्का आएंगे। और फिर कह रहा हूं इसे हराने के लिए, मुझे रोकने के लिए कांग्रेस भाजपा एक हो जाएगी, गठजोड़ कर जाएगी, लेकिन जनता के गठजोड़ का कोई मुकाबला नहीं कर सकती है, ना कांग्रेस ना भाजपा। इसलिए आपसे कह रहा हूं मेरे लोगों, किसी गलत फ्रेंड मत जाना। एक आखिरी बात कह दिया, आप तो जानते हो नहीं जानते हो मैं ताकतवर हूं, मानते हो नहीं मानते हो, कोई पैसे दे तुम्हें चुनाव में वोट के खरीदने के लिए तो वो पैसा रख ले, बिल्कुल रख लेना। सुनाओ जो कह रहे हैं उस पर गौर करो, रख लेना उनकी वो पैसा, उनका उनकी जेब का पैसा नहीं है, आपके टैक्स का पैसा है। प्राइम मिनिस्टर जो घोषणा कर रहे हैं आगे मुख्यमंत्री, एक पैसा उनकी जेब का नहीं है, और वो तो 50-50 लाख रुपए रैलियों में लगा रहे हैं, कोई पैसा उनका नहीं है, सारा पैसा आपके टैक्स का, आपकी मेहनत का है। वो मालिक नहीं है, आप मालिक हो, अपने पैसे की रखवाली करो और अपने पैसे का निर्धारण की जिम्मेदारी दामोदर यादव को दे दो विधायक बना के। बताओ दामोदर यादव को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे बताओ? आज के बाद आपको एक ही काम करना है, यहां से निकलना है, घर जाना है और माओ को, बहनों को, बच्चों को क्या कहना है, क्या कहना है बताओ? मेरे नौजवान भाई बताओ, ए सुनो मेरे नौजवान छोटे भाइयों, क्या तुम्हें लगता है कि हमसे बेहतर तुम्हारा कोई सिपाही है? तो बताओ हमारे स्वाभिमान सम्मान, हमारे वचन की रक्षा करोगे नहीं करोगे? पक्का? तो मैं भी तुम्हें वचन देकर कहता हूं इस बात को याद रखा कि जब तक मेरा जीवन है मैं सेवड़ा के इस एहसान को भूलूंगा नहीं, और ऐसा कुछ इस क्षेत्र में ऐसा करके दिखाना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के, बड़े बड़े अस्पताल स्कूल बना के, बड़े बड़े कॉलेज बना के और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाके 20-30 हजार लोगों को रोजगार देना है इस पूरे जिले में। आप चिंता मत करो, गरीब का बेटा घर नहीं बैठेगा, उसका पेट खाली नहीं होगा, उसकी जेब खाली नहीं होगी, उसके सारे इंतजाम करेंगे। बस एक बार ताकत बना के दो और गुमराह मत होना, पैसा बांट के तुम्हारे भाई के संघर्ष को खरीदने का काम करेंगे, तुम्हें कमजोर करने का काम करोगे। बताओ तुम उनकी मदद करोगे या मेरी? बताओ एक बार सोच लो मन, मैं 20 सेकंड रुकूंगा, सोच लो, मैं 2 घूंट पानी पी रहा हूं, सोच लो। अब बताओ आखिरी बार वहां तक के लोग हाथ उठाओ, मैं कह दूं दामोदर को कि वो तैयारी कर ले 3 तारीख को भोपाल जाने की।
करो मेरा जन्मदिन, बताओ 3 तारीख को गिफ्ट जन्मदिन का दोगे नहीं दोगे बताओ, और गिफ्ट के बदले में क्या चाहते हो? अगर हमारे खून का इसे खतरे की जरूरत पड़े तो वचन देते कि तुम्हारे नाम है। सुनो, एमपी एमएलए बनना होता तो किसी भी कहीं भी जा खड़े हो जाते, तुम्हारा बेटा बनके तुम्हारा भाई बनके तुम्हारी सेवा करनी है, इसलिए आज संघर्ष कर रहे हैं। और जो हेलीकॉप्टर है वो तो आज के कराज और कल के लिए, बाकी हम पे अपना अगर कुछ है तो आप हो और तुम्हारा कुछ है तो वो हम है, बस ये याद रखना। चले एक मदद और करानी, रास्ता खाली करा दो, हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं अगर लेट हो गए। अशोक नहीं, ये रास्ता खाली कराओ, कोई डिस्टर्ब मत करना, भाग के जाऊंगा मैं वहां तक, गाड़ी कहां खड़ी है बताओ, गाड़ी रोड पे भैया बिल्कुल। अगर सच में प्यार करते हो तो आज एहसास कराओ, देखो विधायक की सभा में 200 पुलिस वाले लगते हैं और जिस पे गोली चली